सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाए ताकि आप अगली वीडियो घंटा न मिस कर पाए। तो भैया चलिए आज की इस वीडियो में हम सिग्नेचर वाला लोगो बनाना सीखते हैं कुछ इस टाइप में। लेकिन हाँ मैं आपको बता दूं, यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो आपको, यदि आप स्किप करके देखेंगे ना तो आपको नहीं समझ में आएगा और फिर आप यही बोलेंगे तो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। चल खैर छोड़िए, चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर एक फॉन्ट डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा तो तभी जाकर आप पिक्सेल लैब एप्लीकेशन में बना पाएंगे। अब चलिए हम मोबाइल स्क्रीन पर चल के आपको बताते हैं कैसे बनाना है। तो भाई चलिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में आपको यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर टाइप करना पड़ेगा। टाइप करने के बाद में यहां पर हमें अपना नेम लिख देना पड़ेगा, जो भी आप लिखना चाहते हैं लोगो पर सिग्नेचर पर तो वो लिख देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर अपना नेम लिख देते हैं, हम अपने नेम का बनाने वाले हैं तो हम अपना यहाँ पर नेम लिख देते हैं। लिखने के बाद में ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ओके के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में थोड़ा इसको ऐसा प्रेस कर लेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर जैसा देख सकते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ एक ऑप्शन देख रहे हैं, इस एक ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ जैसा कि देख सकते हैं फॉन्ट का ऑप्शन, इस फॉन्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए फॉन्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में माय फॉन्ट्स का जो ऑप्शन है, इस माय फॉन्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। अब मैं आपको बता दूं क्या करना पड़ेगा, यहाँ जैसा कि देख सकते हैं स्टीफन टाइप का यहाँ पर एक लोगो दिख रहा है, ये जैसा कि देख सकते हैं, यदि आपने डाउनलोड किया होगा तो दिख रहा होगा। तो ये इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो इस पर क्लिक करते ही जैसा कि ये देख सकते हैं जहाँ पर हो गया है। तो मैं आपको बता दूँ सबसे पहले तो इस फॉन्ट को डाउनलोड कर लेना पड़ेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा तभी ये दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। तो चलिए जैसा कि हमने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद में यहाँ जैसा कि देख सकते हैं ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं हमारा ये फॉन्ट बन गया है कुछ ही स्टाइल में, ये जैसा कि देख सकते हैं हमारा ये बन गया। अब इसके बाद में हमें फोटोग्राफी लिखना है, जो भी लिखना है यहाँ पर हम लिख देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम फोटोग्राफी लिख देते हैं। फोटोग्राफी लिखने के बाद में अब हमें ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। ओके के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में अब ये जैसा कि देख सकते हैं हमारा ये हो गया है। तो भाई अब उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जैसा कि देख सकते हैं यहाँ स्पेसिंग का एक ऑप्शन है, इस स्पेसिंग के ऑप्शन पर क्लिक करके अब हमें यहाँ जैसा कि देख सकते हैं इस प्लस वाले आइकन पर ऐसे क्लिक कर देना पड़ेगा, थोड़ा हमें ऐसा इंक्रीज कर लेना पड़ेगा। तो चलिए ये इंक्रीज कर लेते हैं। फिर ये जैसा देख सकते हैं हमारा यहाँ पर हो गया। फिर उसके बाद में अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये राइट कर देना पड़ेगा। तो ये जैसा कि देख सकते हैं हमारा यहाँ पर ये राइट हो गया है। तो अब मैं आपको बता दूँ ये राइट हो गया। अब इसे क्या करना पड़ेगा, हमें जहाँ से ये इस पर देख रहे हैं इस आइकन पर क्लिक करके अब हमें ट्रांसपेरेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना पड़ेगा। तो ट्रांसपेरेंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में अब हमें शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके, डिफॉल्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके, अल्ट्रा के ऑप्शन पर क्लिक करके, सेव टू गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना पड़ेगा। तो अब चलिए हम आपको बताते हैं इसे कैसे लगाना है ना। तो लगाने के लिए सिंपल सी बात है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कोई भी फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसा कि ये हम यहाँ पर जैसा कि हमारा कोई भी फोटो है यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं कैमरा में से जाकर। फिर ये हमारा जैसा कि फोटो है इस पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करने के बाद में फिर शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में पिक्सेल लैब में हम शेयर कर लेंगे या किसी भी एप्लीकेशन में शेयर कर लेंगे। शेयर करने के बाद में टिक के ऑप्शन पर क्लिक करके फिर उसके बाद में यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में इम्पोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके हमने जो अभी फोटो बनाया था ये जैसा कि देख सकते हैं ये लुक दिख रहा है। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कर देंगे, फिर टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो ये जैसा कि देख सकते हैं हमारा यहाँ पर नेम ऐड हो गया है, ये हमारा लोगो जो है ऐड हो गया है। मैं आपको बता दूँ इसी तरीके से आप अपना लोगो बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक करिएगा और नहीं पसंद आया तब पर भी लाइक करिएगा। और हाँ कोई क्वेश्चन होना तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा।